मंदसौर में एक नाबालिग युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर नाबालिग के परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाने के गांव कुचरोद में घर में घुसकर नाबालिग युवती के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। परिजन के मुताबिक नाबालिग पीड़िता जब घर में अकेली थी तब युवक घर में घुस गया और बलात्कार किया, जिसकी शिकायत नजदीकी पुलिस को की, लेकिन मामले को लेकर पुलिस ढील पोल करती रही। लिहाजा दो दिन बीत जाने के बाद भी पीड़िता का मेडिकल नहीं कराया गया। वहीं इस घटना के बाद डर से सहमी हुई पीड़िता युवती इंसाफ के बारे में मीडिया से कहती रही। मेरी बहन जो वो लड़की जी, उसको हम अफजलपुर थाने में लेके गए जी, तो वहाँ पर अभी तक मेडिकल नहीं हुआ। कल रात की घटना है, रिपोर्ट कल रात की डाल दी हमने और पुलिस ने आश्वासन देती रही है हम के मेडिकल करवा रहे हैं, मेडिकल करवा रहे हैं। अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है। हम यहाँ SB साहब का आए हैं और SB साहब ने तत्काल आदेश करने का कहा है। अब कब तक पुलिस आएगी हम इंतजार करेंगे। इस बच्ची के साथ में बलात्कार करा हुआ है, ये परसों दिन की रात को हुआ था रहा है। ये रविवार की रात को मम्मी पापा घर पे थे, मैं अकेली थी, वो लड़का आया अचानक से बलात्कार किया और फिर मैं अंकल जी बाहर लगे तो अंकल जी आए और फिर उसको पकड़ लिया, मेरे को बाहर निकाल दिया। मैं अंकल जी पास लगे फिर मैं अंकल जी आए। वहीं घटना के बाद लगातार परिजन नजदीकी थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं होने के चलते वो SP से मिलने पहुंचे, जहां SP ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एक मामला कल आया था जिसमें 354 कायम हुआ था, आरोपी था और उनके पहले से जान बालिका और बालक के बीच में, उस दौरान 354 का जो शिकायत हुई थी उसमें से कार्रवाई की। बता दें कि जिस तरह से पीड़िता के परिजन पुलिस पर ढील पोल के आरोप लगा रहे हैं, ऐसे आरोप अक्सर पुलिस की भूमिका को लेकर लगाए जाते हैं, लेकिन बलात्कार जैसे संगीन जुर्म पर कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस का ढीला रवैया कहीं ना कहीं पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, मंदसौर।